हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोर लेक्चर्स फॉर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। आज का लेक्चर नंबर है 2 और टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2017 में इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में करा था वैसे ही पहले हम टॉपिक समझेंगे और उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए करें शुरू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए और आउटसाइडर लोगों के लिए भी। पर ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल है कि नहीं वो मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन माहिती जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है तो वो यूजफुल है, वरना वो यूजफुल नहीं है। कोई भी इन्फॉर्मेशन इन 4 चीज़ों को ध्यान में रख के बनानी होती है। पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू असेस वेदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज डिसीजन यूजफुल इट मस्ट पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स एज बिलो। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है टोटल। फर्स्ट कंपेरेबिलिटी, सेकंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, थर्ड रिलायबिलिटी एंड फोर्थ रिलेवेंस। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। इस 4 चीज़ों को आपको रटना नहीं है, आप एक एक लाइन याद करने की कोशिश मत करना। जब मैं जो भी बोल रही हूँ वो आराम से सुनो और उसको समझो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जो लाइन लिखी है वही लाइन उठाकर क्वेश्चन में रख दी जाएगी। आप समझो ताकि अगर क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके भी पूछा जाए तो आप आंसर आराम से कर सको। अब समझते हैं बारी बारी से डिटेल में। फर्स्ट रिलायबिलिटी, इन्फॉर्मेशन रिलायबल कब होती है? जब वो इन्फॉर्मेशन एरर फ्री हो, उसमें किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो और वो इन्फॉर्मेशन अनबायस्ड होनी चाहिए। बायस्ड मतलब क्या? कि कोई इन्फॉर्मेशन किसी और के इन्फ्लुएंस में आके बनाई जाए या किसी और के फेवर को ध्यान में रख के बनाई जाए तो वो इन्फॉर्मेशन बायस्ड होती है। तो हमें चाहिए अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इंडिपेंडेंट होके कोई बना रहा है, किसी का फेवर किसी को ध्यान में रख के नहीं बना रहा, जेन्यून 100% जेन्यून ओपिनियन दे रहा है। वो इन्फॉर्मेशन ऑनेस्ट हो तब वो बायस्ड नहीं होती, वो अनबायस्ड होती है। तो इन्फॉर्मेशन एरर फ्री हो, अनबायस्ड हो, फिर ऐसी हो कि इंसान उस पर डिपेंड कर सके, उस पर रिलाई कर सके। वो रिलाई कब कर सकेगा? कि जब वो वेरीफाई कर सके कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन सही है। ऐसे कुछ प्रूफ हो, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जिसके साथ वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करे तो वो इन्फॉर्मेशन मैच होनी चाहिए कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन सही है। और वो इन्फॉर्मेशन फेथफुल होनी चाहिए। फेथफुल कब होगी? जब इन्फॉर्मेशन ऑनेस्ट हो, इंडिपेंडेंटली बनाई हो, तो वो इन्फॉर्मेशन फेथफुल भी होगी फिर। आप तो समरी क्या बनती है? रिलायबिलिटी कब डिफाइन होती है? जब वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाइबल हो, न्यूट्रल हो, न्यूट्रल मतलब क्या? अनबायस्ड। फेथफुलनेस हो और इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली ऑनेस्टली बनाई गई हो। नेक्स्ट है रिलेवेंस। कोई इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट कब होती है? इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे? अगर ये लेक्चर जो आप देख रहे हो वो एसएससी डबल एओ का एग्ज़ाम होने के बाद आपको मिलता है तो आपके लिए ये लेक्चर यूजलेस है, ये लेक्चर आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। पर ये एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले आपको मिलता है तब ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। सेम वे अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी को टाइम से नहीं मिलती तो वो इन्फॉर्मेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। तो फर्स्ट हो गया टाइम फैक्टर, उसके बाद इट मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक। अब जैसे आपको इन्वेस्टर हो और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कोई पीरियोडिकल रिपोर्ट है जो उन्होंने इश्यू करे हैं वो देखोगे, कितने 4-5 साल के देख लोगे और कंपेयर करोगे कि वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है कि नहीं कंपनी, उनका प्रॉफिट कैसा है, प्रॉफिट स्टेबल है या धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है और जो उन्होंने डेट लिया है
जो उन्होंने लोन ली है उनका इंटरेस्ट ठीक से पे कर रहे हैं कि नहीं, आप ये सारी चीज़ें चेक करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिडिक्शन करोगे कि फ्यूचर में ये परफॉर्मेंस, पास्ट के 5-6 साल को ध्यान में रख के आप फ्यूचर में प्रिडिक्शन करोगे फ्यूचर को लेके कि ये आगे भी ऐसे परफॉर्म करेगा कि नहीं। अगर प्रिडिक्शन पॉजिटिव आता है कि हाँ भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है तो आप करोगे उसमें इन्वेस्ट। तो इन्फॉर्मेशन तब रिलेवेंट है जब वो प्रिडिक्शन करने में हेल्प करे। नेक्स्ट है, इट मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स। कोई इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कब करती है, जब रिलेवेंट करती हो। इन्फॉर्मेशन जो दूर दूर तक रिलेवेंट ही नहीं करती, दूर दूर तक रिलेट ही नहीं करती, तो वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। हेल्पिंग देम इन फॉर्मिंग प्रिडिक्शन अबाउट आउटकम्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब कि हम जब प्रिडिक्शन करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमें पास्ट के बारे में प्रिडिक्शन करने में या प्रेजेंट के बारे में प्रिडिक्शन करने में या फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करने में हेल्प करे। और भी कंफर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवेल्युएशंस। मतलब हमने पास्ट में भी तो अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करा है तो कुछ प्रिडिक्शंस करे होंगे, तो या तो अभी जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उस प्रिडिक्शन को कंफर्म करेगी। मतलब कि हमने जो पास्ट में सोचा था वो सही है, वो कंफर्मेशन देगी, या तो फिर वो गलत थी तो अभी की इन्फॉर्मेशन पास्ट प्रिडिक्शन को करेक्ट करेगी। तो दो पॉइंट्स क्या हो गई है, इन्फॉर्मेशन हमें हेल्प करनी चाहिए प्रिडिक्शन करने में किसके बारे में, आउटकम्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, और हमारे जो पास्ट इवेल्यूशंस थे या तो उसको कंफर्म करें या तो फिर करेक्ट करें। तो समरी क्या बनती है रिलेवेंस की, टाइमलीनेस मतलब कि टाइम से मिलनी चाहिए, फीडबैक वैल्यू एंड प्रिडिक्शन वैल्यू मतलब कि प्रिडिक्ट करने में वो हेल्प करे वैसी हो, और इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स मतलब कि यूजर्स के लिए काम की हो उनके डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल कब हो, जब इन्फॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट की जाए। क्लियरली प्रेजेंट मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन बना रहा है वो जिस सेंस में बना रहा है वही सेम सेंस में रिसीवर उसको समझ पाए। जिसने इन्फॉर्मेशन बनाई है उसने कोई थॉट्स कुछ तो दिमाग में कंक्लूजन लेके बनाई होगी कि भाई ये इस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है और ये चीज़ हम कहना चाहते हैं। अगर सेम चीज़ सामने वाला जो भी यूज़ कर रहा है इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मैनेजमेंट हो या आउटसाइडर हो, अगर वो सेम चीज़ अपने दिमाग में समझ लेता है इन्फॉर्मेशन को देख के ही, सेम सेंस में इन्फॉर्मेशन लेता है, तब वो इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल है। सामने वाले ने सेम अंडरस्टैंड की है जो हम बताना उसे चाहते थे। तो पढ़ते हैं, डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। और उसके बाद ये क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, मैसेज इज सेड टू बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज इंटरप्रेटेड बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज इन द सेम सेंस इन विच द सेंडर हैज सेंड। और ये चीज कब होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, जब इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट होगी, कोई मैनिपुलेशन या कुछ फ्रेमिंग करे बिना जो है वैसे का वैसा बता दो क्लियरली, तो वो सामने वाला सेम चीज समझ लेगा। ये तो सिंपल सी बात है। लास्ट है कंपेरेबिलिटी। इंफॉर्मेशन कंपेरेबल कब है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट बिलोंग टू अ कॉमन पीरियड। कॉमन पीरियड मतलब क्या, कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रिपोर्ट है पीरियोडिकल रिपोर्ट जो प्रॉफिट बता रही है वो 6 महीने के लिए है और दूसरी है 1 साल के लिए। अब हम 6 महीने की रिपोर्ट को 1 साल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक 6 महीने का प्रॉफिट दिखा रही है और एक साल का प्रॉफिट दिखा रही है। अगर हमें इन कंपेयर करना है तो दोनों रिपोर्ट 1-1 साल के होने चाहिए या दोनों 6-6 महीने के होने चाहिए। तो ये हो गया कॉमन पीरियड। एंड यूज कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, तो एक तो सेम फॉर्मेट में बनाई होनी चाहिए। और कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, जैसे कि किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर में है बनाए हुए हैं, पूरे अमाउंट्स डॉलर में लिखे हुए हैं, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो इंडियन करेंसी में बनाया है,
तो हम दोनों कंपेयर नहीं कर सकते, या तो दोनों रिपोर्ट्स इंडियन करेंसी में हो या तो कोई और करेंसी है, तो दोनों सेम करेंसी में बने हुए हैं तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। अब कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट में ये भी ले सकते हैं कि कॉमन मेथड्स फॉलो की हो, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स होती है, फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स होती है, तो ये सारे जो मेथड्स है वो सेम फॉलो करें तभी हम प्रॉफिट कंपेयर कर सकते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पोजीशन बिजनेस की कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट द एबिलिटी टू डू इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन एंड मार्केट सेक्टर कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब कि फर्म का कोई एक कंपनी का खुद का डेटा ही पास के डेटा के साथ कंपेयर करना, कंपनी का खुद का डेटा पास के डेटा के साथ कंपेयर करना, अभी के रिपोर्ट को प्रीवियस रिपोर्ट के साथ कंपेयर करना। इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब कि हमारी कंपनी का डेटा किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करना। और मार्केट सेक्टर कंपैरिजन मतलब कि एक ही मार्केट में जितने भी कंपनियां हैं सबका कंपैरिजन होता है, एक ही इंडस्ट्री के अंदर कंपेयर करते हैं, तो मार्केट सेक्टर कंपैरिजन हो गया। तो समरी क्या बनती है, इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होने के लिए कॉमन पीरियड, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट और कॉमन फॉर्मेट होना जरूरी है। और इंफॉर्मेशन कंपेरेबल इंट्रा फर्म हो सकती है, इंटर फर्म हो सकती है और मार्केट सेक्टर कंपैरिजन भी हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, चार कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फर्स्ट कंपेरेबिलिटी, सेकंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, थर्ड रिलायबिलिटी और फोर्थ रिलेवेंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस जो पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2017 के EEO के एग्जाम का है। ब्लैंक स्टेट्स दैट अकाउंटिंग रिपोर्ट मस्ट बिलोंग टू अ कॉमन पीरियड एंड यूज कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। तो ये तो हमने अभी लास्ट में ही देखा कि कॉमन पीरियड और कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट कब हो तो हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, कंपेरेबिलिटी। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, ये जो स्क्रीन पे अभी दो क्वेश्चंस है वो 11th क्लास की NCERT की अकाउंट की बुक के है। और ये देखिए 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली 2017 के पेपर में आया था। रीड कीजिए, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स, तो ये क्या हुआ, कंपेरेबिलिटी। तो देखा सेम क्वेश्चन आया है, तो उस बुक में दो क्वेश्चन थे इस टॉपिक में, तो हम दूसरा भी कर लेते हैं क्योंकि वो आने के चांसेस है। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट होती है तो क्या होता है, सामने वाला सेम सेंस में उसे समझ पाता है। ये क्या बताता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो इसका आंसर है ए। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इस टॉपिक की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स है या कोई नेक्स्ट टॉपिक आप जो चाहते हो उसका सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू।